हेलो नमस्ते, जय श्री राम। स्वागत है आज के इस वीडियो में। कल खेसारी भैया भगवान श्री राम बने हुए थे रावण का दहन करने के लिए। उनकी अपकमिंग मूवी जिसका नाम है राजा राम, उसका कल से शूटिंग शुरू हो चुका है, मुहूर्त हो चुका है और कल खेसारी भैया राम बने हुए थे। और वो फोटो इतना जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ है भाई। मैंने इंस्टाग्राम चेक किया था, इंस्टाग्राम पे लगभग जो एक मिनट तक स्क्रॉल किया, हर एक पोस्ट खेसारी भैया का आ रहा था। आप लोग देख सकते हैं, चाहे आप फेसबुक खोल लीजिए, चाहे आप लोग इंस्टाग्राम खोल लीजिए, चाहे आप यूट्यूब खोल लीजिए, वही पोस्ट बार बार आ रहा है। तो मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि खेसारी भैया का पॉपुलैरिटी कितना जोर से बढ़ रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि खेसारी भैया बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं। अपना धर्म का प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, किसी दूसरे धर्म को अगर हम लोग हानि नहीं पहुँचाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग किसी दूसरे का धर्म का तो हम मजाक नहीं बना रहे हैं, ना किसी का बुरा बोल रहे हैं। लेकिन भगवान श्री राम बनकर खेसारी भैया आज मेरा दिल खुश किया है, कसम से। मैं कहना चाहता था कि ऐसा कोई खेसारी भैया रोल करें जिसके वजह से खेसारी भैया का पॉपुलैरिटी और बढ़ सकता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है इस टाइप की मूवी बनाकर। खेसारी भैया पहली बार ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में किए हैं, तो भगवान श्री राम का रोल आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई जो है फिल्म में बनकर निभाया होगा, ऐसा कोई नहीं किया है। और जो राजा राम मूवी आ रही है भाई, बिग बजट मूवी है, उसके डायरेक्टर वही हैं, संघर्ष 2 के जो डायरेक्टर हैं वही डायरेक्टर इस मूवी के भी हैं, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्शन कंपनी है टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री है, और ये साउथ से बिलोंग करती है। तो आप लोग सोच सकते हो कि भर भर के पैसा खर्च करेगी इस मूवी में, क्योंकि अगर भोजपुरी के प्रोड्यूसर होते तो थोड़ा डरते कि भाई क्या होगा। लेकिन आप लोग सोच सकते हो। और सबसे बड़े ताजुब की बात यही है कि कल जो वो सीन था जो खेसारी भैया राम जी बने हुए थे, वो भैया फोटो इतना जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। मैंने उस वीडियो को जो है अपने शॉर्ट्स में डाला था, अपने इंस्टाग्राम पे डाला था भाई, गजब तरीके से वायरल हुआ है। यूट्यूब के शॉर्ट्स पे जाके देखिए, गजब तरीके से वायरल हो चुका है, ठीक है। एक दिन के अंदर 10,000 लाइक आना एक वीडियो पे बहुत कम बात होती है, ठीक है। लेकिन वो हुआ है, खेसारी भैया ने राम बनकर साबित कर दिया कि भैया हमारे खेसारी भैया सच में राम जी हैं, ठीक है। और ऐसा करना चाहिए था, बहुत खुशी हुआ हमें। और राम मंदिर का उद्घाटन भी है जनवरी फरवरी में, और ऐसा टाइप की मूवी बनाना जरूरी था और अच्छा कदम उठाया गया खेसारी भैया की तरफ से। और खेसारी भैया इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, एकदम बहुत मैं दिल से देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता था लेकिन मैं कह नहीं पाता था कि खेसारी भैया को ऐसा कुछ मैं बोलूँ। और आपने आज जो किया है, कसम से सर ऊंचा हो चुका है। ऐसा काम करने के लिए सोचना पड़ता है भोजपुरी इंडस्ट्री वालों की, क्योंकि भैया जातिवाद क्या क्या धर्म ये वो सब जोड़ने लगते हैं, लेकिन खेसारी भैया कुछ का परवाह ना करते हुए आज एक बढ़िया कदम उठाए हैं। नहीं तो लोग जो है तो विरोध करना शुरू कर देते हैं कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों करिए। लेकिन जो खेसारी भैया ने किया है, तो खेसारी भैया के जितने फैन है इसका समर्थन करें, ठीक है। बाकी जातिवाद में ना पड़े, दुनिया धर्म ना पड़े, ठीक है। बस एज अ फिल्म देखिए, एज अपना धर्म संस्कृति की बात करिए, ठीक है। चलते आज की वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।